हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2017 के एग्जाम में सेट टू में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। तो पहले आप लोग स्टेटमेंट देखो, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। आपको कहा है कंसिडर द बाइनरी कोड दैट कंसिस्ट्स ऑफ 4 वैलिड कोडवर्ड्स एज गिवन बिलो। आप ये 4 कोडवर्ड्स देख सकते हो, ये 4ों वैलिड हैं। फिर कहा है लेट द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ऑफ द कोड बी पी एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एरोनियस बिट्स That can be corrected by the code BQ. The values of P and Q are. यहाँ पे सबसे पहले हमने ढूंढना है मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या है, फिर हमने ढूंढना है मैक्सिमम कितने बिट्स का एरर करेक्ट किया जा सकता है। अब मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस ढूंढने के लिए हमें सभी पेयर्स में हैमिंग डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि इन वैलिड कोडवर्ड्स के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। इन दोनों का पेयर हो सकता है, फिर इन दोनों का पेयर हो सकता है, फिर इन दोनों का पेयर हो सकता है। सिमिलरली इन दोनों का पेयर हो सकता है, इन दोनों का पेयर हो सकता है, और एक पेयर बच जाएगा इसका और इसका, आखिरी के 2 वैलिड कोडवर्ड्स का। ओके, अब इनमें हैमिंग डिस्टेंस ढूंढो। हैमिंग डिस्टेंस होता है कितनी जगह पे बिट्स अलग अलग हैं। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये बिट अलग है, ये बिट भी अलग है और ये बिट अलग है, यानी कि 3 जगह पे बिट की वैल्यू अलग है। तो हैमिंग डिस्टेंस हुआ 3। ओके, इसमें और इसमें देखो, यहां पे अलग है, सेम है, फिर अलग है, फिर सेम है, फिर अलग है, यानी कि इन दोनों में हैमिंग डिस्टेंस है 3। एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, 1, 2, 3, सही है। अब इन दोनों में देखो, पहले और आखिरी वाले में ये 4 बिट्स अलग हैं, यानी कि मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस अभी तक जो हमें मिल रहा है वो है 3, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, ये 4 है, इनमें से मिनिमम 3 है। अभी इनको एनालाइज करते हैं और देखते हैं क्या 3 से कम भी हमें मिल रहा है या नहीं। तो इन दोनों में अगर हैमिंग डिस्टेंस देखें वो आएगा 1, 2, 3, 4, ये हैमिंग डिस्टेंस तो आ गया 4। इन दोनों में देखो, सेकंड और फोर्थ में ये आएगा 1, 2, 3। ओके, अभी तक हमें 3 से कम नहीं मिला, बस एक पेयर बच गया, उसे भी एनालाइज कर लो। तो ये बिट सेम है, सॉरी ये बिट डिफरेंट है, ये बिट भी डिफरेंट है, यहां पे सेम है और ये डिफरेंट है। तो यहां पे हैमिंग डिस्टेंस कितना हुआ, 3। ओके, तो ये सारे हैमिंग डिस्टेंस हमें मिले 3, 3, 4, 3, 3, 4, तो मिनिमम आया 3, यानी कि P की वैल्यू 3 होगी। ओके, अब हमने ढूंढनी है Q की वैल्यू। Q है मैक्सिमम कितने बिट का एरर करेक्ट किया जा सकता है। देखो, अब एरर डिटेक्शन का फॉर्मूला मत यूज करना, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है एरर करेक्शन के बारे में। एरर करेक्शन के ये 2 फॉर्मूलास हैं। पहला फॉर्मूला कह रहा है अगर मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस डी है तो ज्यादा से ज्यादा d-1/2 फ्लोर इतने बिट का एरर करेक्ट किया जा सकता है। तो डी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको पता चलेगा मैक्सिमम 1 बिट का एरर ही करेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर यहां पे हम 3 डालें, देखो MHD हमें मिला 3, तो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस की वैल्यू मैंने यहां पर डाली, ये आया 2/2 की फ्लोर वैल्यू जो कि 1 होगी। ओके, तो यहां से हमें पता चला ज्यादा से ज्यादा 1 बिट का एरर ही करेक्ट किया जा सकता है, तो Q आया 1, यानी कि ये रहा आपका आंसर, P=3, Q=1। अब इस फॉर्मूला को भी देख लो, ये फॉर्मूला कहता है कि अगर हमने n बिट के एरर करेक्ट करने हैं तो हमें 2n+1 इतना हैमिंग डिस्टेंस चाहिए। मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 2n+1 होगा, तभी n बिट का एरर करेक्ट किया जा सकता है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं इस क्वेश्चन में जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस है MHD है 3, यानी कि यहां पर 2n+1 की वैल्यू 3 है। तो यहां से n की वैल्यू निकालो, और n ही हमें चाहिए क्योंकि टू करेक्ट n बिट एरर्स वी नीड सो एंड सो। ओके, यानी कि क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने बिट का एरर करेक्ट किया जा सकता है, वो है n। तो यहां से आप n निकाल लो और n यही आएगा 1 ही। ओके, देखो ये होगा 2n=2, और फिर ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा n=1। ओके, मींस मैक्सिमम 1 बिट का एरर ही करेक्ट किया जा सकता है। ओके,